तो सिलेंडर बांध दिया के पीछे। हाँ ये इसमें लीकेज हो रही है भाई साहब। अब मेरे सांस जो सिर्फ मुंह से आ रहे हैं, नाक बंद हो गए। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये छोटा सा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। पिछले वीडियो के अंदर भी आपने देखा शहीद द्वीप का ये भरतपुर बीच है और आज जो है वो शारदा करेगी स्कूबा डाइव। मैं कौन सा हूँ, उठ जाओ। चलो ठीक है मैं जाऊँगा। मतलब ऐसे होता है ना कि बहुत टाइम से मेरा ऐसे सा मन में सपना था कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले करके और उसी से सांस लेते हुए पानी के अंदर चला जाऊँ और अंदर जितने भी पेड़ पौधे मछलियाँ केकड़े कछुए वो सारी चीज़ें देखो अंदर की चारों और घूम घूम के। तो वो आज मैं करने वाला हूँ स्क्यूबा डाइविंग। तब मैंने बोला वो आए हुए हैं क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में ही रहते हैं, मुझे यही देख रही थी मैंने अभी जस्ट नजर पड़ी ना, मैं बोला भैया लोग ही लग रहा है। मैंने भी ये हाँ जी। चलो आ रहे हैं, चलो चलो थैंक यू। आप कहाँ से? आपकी बेटी कहाँ गई है? वो इधर खेलती घूम रही होगी, पता नहीं। हम भी राजस्थान से, नागौर से। चलिए थैंक यू, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे मिलते हो बहुत अच्छा लगता है मिल करके। और अभी जो जा रहे हैं एक काउंटर के ऊपर समुद्र के अंदर की दुनिया देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सोच के डर तो नहीं लगे, घबराहट तो हो रही है। नहीं मतलब मेरे को वैसे पानी में डर नहीं लगता। हाँ। मेरे को उन जीवों का डर लगता है, पता नहीं कौन से टाइप के होंगे। सिया की नहीं, सिया बट खेल रहे। वो दो तीन वो दे दो मूंगफली वाले। पानी में अंदर जाने से पहले पानी पी लेना चाहिए ना। आपका नाम लिख नहीं, ये किस चीज के लिए वैसे? ये सर देखिए इधर देखिए, मतलब फेफड़ों की कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 45 साल से ऊपर नहीं हो, आपके चलने में सांस नहीं फूलती है, आंखें नाक के कान की कोई दिक्कत नहीं है और आपके कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी, हमारी थोड़ी होगी यार। हम तो जानते भी नहीं है पानी के अंदर जाने से क्या 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 है। बस हो गया क्या, भर दिया ना मैंने पूरा? हाँ, ये ऊपर नाम कॉन्टैक्ट नंबर सॉरी बर्थ डेट और डेट कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। मेरे साथ में जो जाएंगे वो ट्रेंड होंगे नहीं है, रोज रोज काम में लेते हैं। ऊपर से वो स्विमिंग टाइप वाला कपड़ा है, ये अलग तरह का। अब ठीक है मैं जाऊँ, मतलब बोट के अंदर जाएंगे, घंटा भर में करके वापस आ जाओ। बहुत बहुत ऐसे अंदर से गुड़गुड़ हो रही है। दो फार्म भरवा लिए, एक और फार्म भरवा लिए, यहाँ की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों भाई के नाम वाले वो जिम्मेदारी नहीं है ना? वो तो फॉर्मेलिटी है, ये करेंगे तो ऐसे भी कोई कोई बीमारी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, वो सब करके। चलो ठीक है बाय बाय। ठीक है बेटे बाय। ये लोकेशन जो जबरदस्त है, ये जाएगी इस सूट का क्या नाम है जो आप मुझे पहना रहे हो अभी? बीसीडी वॉइस कंट्रोल डिवाइस। ये जो है वो सेफ्टी जैकेट का भी काम करता है जी, लाइफ जैकेट का भी काम करता है। अंडर वाटर आपका बोयंसी को कंट्रोल करेगा। किसको? बोयंसी को, आपका जो आप ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे ये कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, ये कंट्रोल करेगा ये कि मुझे ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो अच्छा, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, सांस लेने के लिए इसमें कितने होते हैं? दो के इसके ऊपर दो सांस लेने की है। और सिलेंडर बांध दिया के पीछे। हाँ ये इसमें लीकेज हो रही है भाई साहब, ऐसे आवाज आ रही है। थोड़ा बहुत तो निकलेगा क्योंकि हर चीज ब्लॉक नहीं करता। इसमें से भी निकल रही है ये क्या? इस तरह से दो होते हैं, मतलब एक ये मुंह में लेने के लिए सांस लेने के लिए, एक दूसरा यानी कि इमरजेंसी के अंदर किसी दूसरे को बचाना हो तो आप बचा सकते हो उसको देख करके एयर इस तरह से। मेरे साथ में एक और ये भाई साहब भी चाहिए जाएंगे। ये भूल गया, ये बटन है इसको फुलाने के लिए। इस बटन को क्या बोलते हैं? जैसे बटन दबाया पूरे में हवा भर गई, अब मैं आराम से बिना पैर टिकाए जहाँ पर ऐसे तैर सकता हूँ। ब्रीदिंग जो माउथ से होगा, इनहेल एक्सहेल दोनों माउथ से करना। अच्छा, जैसा फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई स्ट्रॉ से पीते हो सिप करते हो उसी तरह आपको सक करना है। अच्छा, और मुंह से रिलीज करना। इंकुलाइज क्या होता है, जैसे हम लोग अंडर वाटर जाते हैं ना, प्रेशर रहता है पानी का। हाँ। ओके, तो प्रेशर कहाँ पे फील होता है? ईयर पे फील होता है।
यहाँ पे कार पे फील होगा। तो जैसे हम लोग नीचे जाएंगे एक मीटर दिन में, तब आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरे यार में दर्द हो रहा है, दर्द होता है। उसको रिलीज करने के लिए करना, इक्वलाइज करना। अच्छा, पहले माउथ से बीत के इनहेल करना, नोज को पिंच करके, नोज का ब्लो करके देखें, आपके एयर पॉप में फील होगा। अच्छा। करके देखें एक मुंह से, हवा निकली इधर से, अभी मत कीजिए, खाली फील होने से बस। इसको इक्वलाइज कहते हैं। नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ऐसे करके, ऐसे हवा कान में से हवा निकालने? नहीं तो नीचे नहीं जा पाओगे। मेरी सीटी बज रही है एक साइड में, अभी मत कीजिए, एक साइड में सीटी बज रही है, अभी मत कीजिए। सर पे सुना, यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं फील होगा। अब अगर यहाँ पे ज्यादा करते रहोगे तो आपको पेन भी ज्यादा हो सकता है, पेन हो सकता है। हाँ, ज्यादा करोगे तो वो हम लोग के एड्रम ऐसा रहता ना, अब जैसे प्रेशर मारते हो वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो इसको ज्यादा इसलिए नहीं करना क्योंकि जब जरूरत है तभी करना। थर्ड जो है, हम लोग अंडर वाटर जाकर बात नहीं कर पाते, हैंड सिग्नल से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ये ओके ओके, ये क्वेश्चन भी आंसर भी, आपसे अगर पूछा जाए यू आर ओके, आपकी रिप्लाई बोलोगे ओके आई एम ओके, नॉट ओके ऐसा। तो नॉट ओके दिखा के आपको पॉइंट करना, दिक्कत कहाँ पे, माउथ नोज आईज ईयर जहाँ पे होगा इस तरह करके दिखाना, तो हमें पता चलेगा आपको क्या दिक्कत होगा। अच्छा, जल्दी से बाहर निकलना हो तो आप ऊपर जाने के लिए जल्द से जल्द बाहर चलो, ऊपर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, अच्छा डाउन नीचे जाने के लिए। ओके, कई लोग कहते हैं कान में से खून निकलता है, नहीं कान से खून नहीं नहीं निकलता, वो जोर से, वो अलग ड्राइव, उससे बीच करना है, सांस इसी से लेना। माउथ पीस है यहाँ पे बाइट करना ग्रिप के लिए। हाँ, ओके, और लिप जो यहाँ पे सील रहेगा, तो मैं लगाऊं मुंह में, मुंह में लिप सील, बीच इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, तो इसमें एक ही रीजन से पानी आता है, अगर इसमें अपने लिप्स को लूज किया तो, लिप्स लूज करोगे तो इसके अंदर पानी जाएगा। यार पानी खराब होता है, ये खारा ही रहता है, इसको मीठे पानी से नहीं धोते? नहीं नहीं सर, ये सॉल्ट वाटर है, आप मीठे पानी से धोगे तो भी तो सॉल्ट वाटर में जाओगे आप। इतना पानी में कैसे इसमें अगर पानी आ जाए तो इसको माउथ से निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सामने देखे एक पेज बटन है यहाँ। अच्छा, इसको प्रेस करोगे तो पानी को अपने आप बाहर कर देते, अगर इधर कोई पानी होगा तो ये दबाना है माउथ में, अगर पानी आ गया तो मुंह में। एक मिनट चेक करूं। हाँ ओके, ठीक है यार, टाइट है तो बहुत ज्यादा टाइट है। ठीक है, ये छोटे बड़े लोगों के सब के हिसाब से होगा। अब मेरे सांस जो सिर्फ मुंह से आ रहे हैं, नाक बंद हो गए, नाक बंद हो गए, ठीक है। हाँ, पर अब वो देना मुंह में लगाऊं कि प्रैक्टिस करूं वैसे, क्या और कुछ भी बताना है बताओ आप। जैसे पानी में जितनी देर रहेगा तो नाक बंद ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं, नाक बंद ही रहेगा, नाक आपका लेना। ओके, टाइट बीज इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नीचे देखिए और ब्रीथ कीजिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए और ब्रीथ कीजिए पानी में, नाक में पानी आ गया। नोज में पानी की होता है, देखिए हम लोग सेव नहीं करते ना। हाँ, बेसिकली बॉयज लोग का पानी आता है, ये कोई दूसरा नया टाइप नहीं होगा। नीचे जाइए, नीचे देखिए, ठीक था, पर पानी जा रहा है नाक में, वो थोड़ा बहुत जाएगा सर, उसमें कुछ करने से तक। हम लोग जो बहुत गहरे समंदर के अंदर आ गए हैं, ये कह रहे हैं 10-12 मीटर है यहाँ पर जो गहराई है। बॉडी को फ्री छोड़िए, जबरदस्ती मैं ऐसे हो रहा हूँ, स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, बॉडी का तो फ्री छोड़िए, बॉडी को रिलैक्स, वो मुंह वाला तो देखो, रुकिए रुकिए रुकिए, सीधा नहीं हो पा रहा, मैं सो गया तो सो ही गया। हाँ ठीक है, आप सीधा नहीं हो पाएंगे, तो अभी मैं आपको टर्न कर रहा हूँ, नीचे देखो बीच कर, पानी खा रहे यार, क्या चक्कर है,
आप नोज को यूज मत करो ना, आप नोज को यूज करोगे तो पानी जाएगा उसमें। उसके बाद में जो है पानी के अंदर जा रहे हैं उन्होंने धीरे धीरे, लेकिन मुझे डर लग रहा था, मैं हाथ पकड़ के उनको आगे कर रहा था कि भाई दिख नहीं रहे हो, मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दिया है कहीं, क्योंकि उन्होंने पीछे से मुझे पकड़ रखा था। फिर उसके बाद में उन्होंने दोनों के हमारे जो वो जैकेट थे उनके अंदर एयर कम किया और हम लोग फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगे। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे नाक पकड़ करके मुझे जैसे बताया था इक्वलाइज मैं कर रहा था, यानी कि कानों में से हवा निकालने का थोड़ा सा प्रेशर बार बार कर रहा था। इससे क्या है कि कानों में प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ता। और फिर मुझे इशारा किया उन्होंने हाथ से, तो नीचे जो दृश्य था वो देख करके मैं सब कुछ भूल गया, एकदम सब भूल गया। बस इतना शानदार ये दृश्य, ज़बरदस्त, इसके अंदर मज़ा आ रहा था। हम इतने गहरे पानी के अंदर आ गए, चारों ओर पानी और ये कोरल ही कोरल, बांध बांध के छोटी छोटी मछलियाँ देखने को मिली। उसके बाद मेरी जो परेशानी हो रही थी, समस्या आ रही थी, वो सारी मैं भूल गया और उसको देखने लग गया बस। वाह, ये इतने सारे कोरल, रंग बिरंगे, छोटी बड़ी सब प्रकार की मछलियाँ, बहुत गजब। बस फिर रिलैक्स होकर के पानी के अंदर चलने लगे, सांसें आ रही थी 1, 2, 3, 4, मतलब मुंह से जो सांसें ले रहे थे ऐसे पता चल रहा था कि सांसें चल रही है। पानी के अंदर सबसे ज़्यादा यही पता चल रहा था। नीचे कई जगह पर रेत भी थी, कई जगह पर पहाड़ नुमा कोरल, एकदम ज़बरदस्त, सब भूल गया मैं। कैमरे में इतना क्लियर नहीं जितना आंखों से मैं क्लियर देख पा रहा था, वहाँ पर वो दृश्य ही अलग था। बीच में डिस्टर्ब कर रही है स्टिचिंग लाइन की प्रॉब्लम आ गई। वाह, ज़बरदस्त, एकदम इसके नज़दीक नज़दीक से हम लोग होते हुए जा रहे थे, पानी में आवाज़ का भी पता नहीं चल रहा था हमें, ना कुछ बोल पा रहे थे, सिर्फ महसूस कर रहे थे। इतनी कोरल की प्रजातियाँ और ये मछलियाँ, जबरदस्त जबरदस्त, मैं तो नाचने लग गया वहाँ पे मज़ा आ रहा था, अमेजिंग अमेजिंग, वाह। इतने जबरदस्त, और वो भी ऐसे लग रहा था दोनों हाथ पैर फैला करके ऐसे पानी के अंदर मज़े से एंजॉय करो, वाह। और ये कोरल देखो गोल गोल प्रकार के भी, वो भी। यहाँ पर क्या है कि हमें ठंड लगने लग गई ज़बरदस्त, नीचे गहराई में पानी जो है काफ़ी ठंडा होता है, ऊपर थोड़ा गर्म था। और चमड़ी भी देखो किस तरह से गल गई, क्योंकि लगभग 25 से 30 मिनट तक हम लोग पानी के अंदर रहे, लेकिन एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा। ये रेड कोरल भी दिखा, कई सारे अलग अलग बांध बांध के ऐसे। ये कुछ और फुटेज है देखिए, जो पानी के अंदर की दुनिया के छोटी छोटी मछलियाँ पानी के अंदर कुछ तैरते हुए कुछ चीज़ें होती हैं उनको खाती रहती है, गुच्छा का गुच्छा ही होता है मछलियों का। ये देखिए जो सांसें आ रही है सों सों करके सुनती रहती है ऐसे। ये देखिए ये गजब है यार, बहुत देर हो गई, नीचे ठंड भी लगने लग गई मुझे, तो फिर मैंने खुद ही बोल दिया कि बस अब बाहर जाना है, बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मज़ा आ गया। सच्ची बताऊं जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।
वो जो कल्पना में था ना वो सब साकार हो गए। ऐसे हम सोचते क्या क्या सोचते हैं, ऐसे मछलियों का झुंड होगा वो था, रंग बिरंगे कोरल होंगे, लाल पीला हरा ब्लू, तो थोड़ा लिए और आता उनको छूने से भी वो खराब हो जाते हैं। ऐसे नहीं है, मछलियाँ तैर रही थी, बट ऐसे नहीं आके आपको टच करेगी या कुछ भी करेगी, ऐसे कुछ भी नहीं कर रही थी। अच्छा, वो दूर भाग रही थी। हाँ, वो दूर जैसे जैसे जा रहे थे ना, दो फीट दूर ही दूर दूर रह रही थी मछलियाँ। और उस एक्वेरियम में चेन्नई में अपन ने मछलियाँ देखी थी ना, रंग बिरंगी लगभग वो सारी, हर कलर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ब्लू ऑरेंज येलो रेड, और वो बड़े मुंह वाली नहीं, एक बार बड़े मुंह वाली जक्की, पतली पतली चपटी चपटी जक्की, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। दोबारा करने का मन कर रहा है, बहुत बहुत गोल गोल वाला भी, कभी सुइया वाला भी, तिखा तिखा था भी, सब प्रकार का। टच किसी भी जीव ने नहीं किया, शर्त ये थी कि आपको नहीं करना है टच। यहाँ से 1.5 किलोमीटर गहरा पानी दिख रहा है एकदम डार्क ब्लू, वहाँ पे थे फिर सब भूल गया, सब कुछ फिर वही था। और पानी की माँ चामड़ी गड़गी मेरी, एक व्हाइट व्हाइट दिखने लगी थोड़ी अजीब सी, आधे घंटे तक किया मैंने, खुद ही बोला बाहर निकाल दो भाई। बाहर निकाल दो। और जहाँ से मैंने बुक किया यहाँ आकर के किया, इनका नाम है सुमन और आपका क्या नाम है, रणजीत। तो ये लोग क्या है कि यहाँ आने के बाद में भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हम लोग गए थे डाइव करने के लिए, बेस्ट लोकेशन है। इस लोकेशन का नाम क्या है, नाम बताना, फिश गार्डन, फिश गार्डन बोलते हैं। पूरी मछलियों से भरा हुआ पड़ा था, दुनिया भर की सारी मछलियाँ यहाँ पे थी। मतलब मॉर्निंग से हाई टाइड होना चाहिए बेसिकली, हाई टाइड हो तो अच्छा रहता है, कोई बेस्ट टाइम नहीं होता, हाई टाइड होना और विजिबिलिटी अच्छी। विजिबिलिटी तो देर में, धूप होगी तभी होगी। आप रोज जाते हो, आप नहीं जाते? मैं कभी कभी जाता हूँ, भैया तो डाइव मास्टर है, इनका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस। और आपके लड़के रोज जाते हैं? खूब सारे हैं, बिना सर्टिफिकेट के कोई डाइव नहीं कर सकता, आपको नहीं देखे सकते अगर हम सर्टिफिकेट नहीं है। मजा आ गया यार, उसके अंदर ऐसे पानी में कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा है दोबारा करने चाहिए। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सर आप आए, और ये आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सर को आगे बढ़ाइए। और बहुत अच्छा लगा सर आप आए अंडमान, और प्लीज नील आइलैंड कैसा लगा उसके बारे में बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। सुबह से जो हाइट डाइट था अभी वापस लो टाइट हो रहा है, पानी वापस जा रहा है। एक और फैमिली भी राजस्थान ये क्या है कि एक बाल और झड़ने लगे मेरे, तो है ना लोट निकलने लगी इधर से, खारे पानी में ज्यादा बार जाना। ये देखो इधर से चमड़ी अंदर से आ रही है, क्योंकि नमक का और खारा पानी होता है नहीं, नमकीन। थैंक यू सो मच, आपका क्या नाम बताया? श्यामा दास, इनसे मैंने स्कूटी किराए पर ली थी, नारियल पानी तो पी लिया, मलाई सुनिया खाएगी। आजा आजा जल्दी, स्वराज दीप वाली यहाँ की भी काफी लोगों ने देखी है, बहुत सारे लोग जो अभी सब लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि आप स्वराज दीप में आए थे, स्वराज दीप में आए थे। फर्स्ट में वो एक्सपीरियंस भी गजब था और यहाँ का भी गजब है। एक्सपीरियंस कंफर्ट, एक्सपीरियंस चेंज। हाँ ये जबरदस्त लोग थे, अपन का सभी बताए। अच्छा आपको थैंक यू सो मच, क्या नाम है आपका? नाम सुबह में जहाज के अंदर भी पूरा स्टाफ है, पहले से वीडियो देखता है, अच्छा व्यू आएगा ऊपर से यहाँ से। और ये जो लोकेशन है जबरदस्त, इतनी जहाजों में दो बार नोटिका में चढ़े, एक बार मैक्रोस के अंदर, हर कोई यहाँ आकर के मजे नहीं ले सकता हाई स्पीड। लेकिन आज इसको ज्यादा स्पीड में नहीं चला रहे, स्पीड में 21 नॉट कर रहे हैं। आज ये हिल क्यों नहीं रहा है, हमेशा उल्टियाँ करवाता है। आज वेदर एक्चुअली ठीक है। अच्छा तब इस पानी में एकदम सीधा खड़ा है नहीं? रोमांचकारी जर्नी रही है, जबरदस्त रोमांचकारी। स्वराज और शहीद द्वीप की यात्रा करके वापस हम लोग आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर, बहुत अच्छी यात्रा रही।
और एक बात मैं आपको बता दूँ, स्कूबा डाइविंग मैंने जो है वो कल भी की थी और आज भी की। कल जो की थी उसका जो मेमोरी कार्ड कॉपी करते टाइम करप्ट हो गया, तो उसके फ़ोटो वीडियो फिर रिकवर नहीं हो पाए, इसलिए मैंने फिर आज दोबारा कर ली। तो फर्स्ट टाइम स्कूबा डाइव मैंने की, वो भी दो दो बार होगी। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। अगर आप नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। बाय।